अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एएस न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि हम आपको लगातार कुछ दिनों से बताते जा रहे हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स जो प्राइवेट बसेस करके अपने शहर रवाना होते जा रहे हैं, यहीं पर ओल्ड सिटी में पंजे शाह के पास में आज हमें कुछ माइग्रेंट जो प्राइवेट बसेस जाते हुए नज़र आए, तो हमने यहाँ पर रुक कर इसका जायज़ा लेते हुए कुछ लोगों से बात करा, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ से डेली 300 से 400 लोग बसेस प्राइवेट बसेस के जरिए अपने अपने शहर रवाना होते जा रहे हैं। यहीं पर कुछ लोग ठहरे हुए हैं, आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। भैया, हम लोग कोलकाता से है, हम लोगों को ट्रेन के वजह से जा नहीं पा रहा हूँ, क्या करेंगे, शेष तक बासी करना पड़ा, तो हम कैसे जाएंगे? तो पूरे प्रशासन को अनुरोध करता हूँ कि हमारा जो बस जा रही है यहाँ से, तो कोई भी हमारा बस को पकड़ना नहीं चाहिए, सही सलामत से जाने दीजिए हमारे बस को, यही है प्रशासन के पास हमारा अनुरोध। तो आप लोग यहाँ पर क्या काम करते थे? हम लोग यहाँ का गोल का काम करते थे, सब गोल का काम करते थे। हमारा जो रोक दिया हमारे को, लॉकडाउन में रोका पड़ा हुआ है, इसलिए जा रहा हूँ, तो हमारा कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है यहाँ से, कुछ जाने का, कुछ करने का, कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है सब। इसलिए तो आप लोगों को यहाँ पर ये प्राइवेट बस जो कर रहे हैं आप लोग, हाँ, एक आदमी को कितना खर्चा आ रहा है? एक आदमी को 5,000 रुपया खर्चा आ रहा है। एक आदमी को 5,000 रुपया खर्चा आ रहा है। आप कहाँ से है भाई? कलकत्ता से। किस काम के लिए आए थे आप यहाँ पर? गोल्ड के काम के लिए। आप लोग सारे यहाँ पर गोल्ड के काम के लिए? यहाँ पर आपके जो हेड हैं, जो आप लोग को भेज रहे हैं, जो पासेस इशू कराए, वो कहाँ पर है? वो है ये अंदर है। आप कहाँ से है भाई? भाई कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से, हाँ। क्या काम के लिए आए थे आप यहाँ पर? होटल लाइन पे आए थे। होटल लाइन कहाँ पर काम करते हैं आप? हाँ, अभी सामने सफीना में करते थे। सफीना होटल में करते, हाँ। तो आप अब यहाँ पर जो आप प्राइवेट बस से जा रहे हैं आप, तो इसके लिए आप हुकूमत को क्या बोलना चाहेंगे? इसमें बोलना चाहेंगे क्या है कि गवर्नमेंट सरकार तो कुछ करके नहीं दे रहे यहाँ पे, क्या है कि हम लोग परेशान के लिए जो भी कुछ पैसा हुआ या सामान हुआ था, वो सब कुछ बेच के अपने लोग पैसा इंतजाम करके बस में जा रहा हूँ, क्या कि अपना मुसीबत है, अपनों खुद लोग बस सीखेंगे। तो आप अकेले ही हैं, आपकी फैमिली भी है यहाँ पर? नहीं नहीं, मैं अकेला ही रहते थे। अकेले ही रहते हैं, हाँ। यहाँ पर सब अलग अलग, पूरा सब जन अलग अलग काम करने वाले हैं यहाँ पर? हाँ, सब अलग अलग ही काम करने वाले हैं, क्या है कि यहाँ पर जितना लोग परेशानी रहते हैं, सब परेशान की मजल से जा रहे हैं हम लोग, क्या है कि यहाँ पर जितना जो पैसे थे, इतना दिन लॉकडाउन पड़े हुए हैं, आज नहीं कल नहीं परसों, ऐसा डेट जो चेंज होते रहते थे, इंसान बस खुशी रहते थे मोदी सरकार के इसमें, अब क्या करेंगे, अपने लोग सोच के अब परेशान हो गए, जो भी पैसा था सब कुछ सबका ही ख़त्म हो गया जी। अब अपने लोग ही निकलने का फैसला कर लिया। जैसा कि हम आप लोग को बताते जा रहे हैं, ये लोग अपनी पूरे जो ज़रूरी अशिया है वो बेचकर अपना टिकट का इंतज़ाम करके अपने अपने शहर रवाना, अपने घरों तक पहुंचना चाह रहे हैं। हमारी आवाम से, हमारी पब्लिक से और हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि वो माइग्रेंट्स के लिए जाने के लिए अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करे, और जल्द से जल्द इंतज़ाम करे, ताकि अगले जो दूसरे जाने वाले हैं वो लोग को तकलीफ़ ना उठाना पड़े। कैमरामैन करीम के साथ मैं मोहम्मद सोहेल, एएस न्यूज़ नेटवर्क।